Honorable Member Sri Santosh Pandey. सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि आज इस नए भवन में भी और आज बोलने का अवसर मिला। मैं आपका आभारी हूं। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। क्या कभी किसी ने सुना है, क्या कभी किसी ने सुना है, सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, राष्ट्र मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। आज यह राष्ट्र पूरी दुनिया में और भारत का जो डंका बज रहा है वो पूरा दुनिया देख रही है, सुन रही है, एहसास कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, हंसी मजाक में पहले कहा करते थे, उस समय स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी कि यदि इस देश को चले तो ये कटोरा लेकर के चंद्रमा में भी पहुंच जाए, ऐसा मजाक करते थे और गिरवी भी रखे गए थे। कई प्रकार की बातें हैं, आज मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा, किंतु वो स्थितियां थी। हम सब उस स्थिति से अवगत हैं। इस देश को और भी क्या क्या नहीं कहा गया, सपेरों का देश, लकड़हारों का देश, और उसके बाद आज जो ये देश अपने उच्च स्थिति को प्राप्त किया है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज पूरी दुनिया को दिखा दिया उसे क्यों भविष्य की महाशक्ति, और महाशक्ति की ओर भारत जा रहा है। दुनिया में चंद्रमा पर फतह कर जिस सबसे सस्ते चंद्रयान 3 मिशन को भारत ने जिस अंदाज से पूरा किया, उसने दुनिया के विकसित राष्ट्रों की आंखें खोल कर रख दी। महोदय, आज विपक्ष लाख सर पीटे चंद्रयान मिशन की अवधारणा के समानांतर जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन विधेयक का भी जो यहाँ लाया और हम सब ने पास किया, सब मिलकर के पास किए, ये वास्तव में ही ये कहे कि ये निसंदेह है, ऐसे दृढ़ निश्चयी संकल्पवान व्यक्ति जब होते हैं तो ये श्रेय भी, जिस प्रकार से मेरे सांसद एक मित्र ने कहा कि गोल करने वालों का उसका श्रेय जाता है, राष्ट्रनायक को उसका श्रेय जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय महोदय, भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए, मैं केवल एक पंक्ति कहकर के अपनी बात समेट रहा हूं, विद्या विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अद का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पूरे भारत में पूरे विश्व में ये गूंजे। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री विजय दुबे। माननीय अध्यक्ष जी, कि आपने चंद्रयान 3 के चर्चा में और वो भी इस ऐतिहासिक नए भवन में हमें अवसर प्रदान कराया। माननीय अध्यक्ष जी, किसी के भी सफलता पर हम अगर विशेष सम्मान देते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि आपकी सफलता ने 4 चांद लगा दिया। आज कोई दो राय नहीं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रयासों से और इस देश के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों